आज काली दह में मेरी गाय ने पानी पी लिया और मेरी गाय मर गई। रोने लगते हैं गोप लोग। आज कन्हैया ने सोचा यशोदा माँ से कहा, माँ देखना एक दिन इस कालिया नाग को मैं ही यमुना से बाहर करूंगा। यमुना कहते हैं भक्ति को, और कालिया नाग कहते हैं पाखंड को। इंद्रियाध्यास ही कालिया नाग है। भक्ति रूपी यमुना में जब तक पाखंड रूपी कालिया नाग रहेगा तब तक जीव को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। पाखंड रूपी कालिया नाग भक्ति रूपी यमुना को प्रदूषित करता है। आज संकल्प ले लिया कन्हैया ने कालिया नाग को यमुना से बाहर करूंगा। आकाश मार्ग में से पक्षियों का झुंड भी जाता है और काली दह के ऊपर से जब ये पक्षी जाते हैं ना तो इसकी विष से वो पक्षी भी इस जल में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इतना भयंकर विशेष। पर भगवान सोच रहे हैं मेरे को काली दह में कूदने कौन देगा, क्योंकि भगवासी तो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं नारायण से। आज कन्हैया ने योजना बनाई, सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा किया। बोले भाई आज हम गौचारण करने के लिए नहीं जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। वो बालकों ने तो आज क्या करेंगे, बोले आज हम लोग काली दह पे गेंद खेलने जाएंगे। ग्वाल बालों ने कहा भैया हमको काली दह पे नहीं जाना है, जानता नहीं कितना खतरनाक नाग रहता है काली दह में। एक गोप ने तो कहा मेरी माँ ने 101 व्रत एकादशी का रखा तब जाकर के मेरा प्राकट्य हुआ, भाई हमको तो नहीं जाना वहां। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान ने कहा कालिया दह के बीच में काली दह में थोड़ी कूदेंगे, अब तो बाहर खेलेंगे। सारे ग्वाल बालों को लेकर के भगवान एक गेंद और एक बल्ला लेकर के आज गेंद का खेल खेलने। कन्हैया बोले सुनो, अरे पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारा नाम है। मैया यशोदा जननी हमारी, गोकुल हमारा गाम है। मैं गोकुल से आया हूं, यशोदा का बेटा हूं, कृष्ण है मेरा नाम। भागवत नगर तो बहुत सुंदर है, पर तू आया क्यों? और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि तू यहाँ आने के बाद जिंदा कैसे? यहाँ तो पानी के ऊपर भी जब पक्षी आता विभर जाता है, ऐसा जहर है हमारे पति में। पर बेटा तू चले जा, क्यों आया तू यहाँ? तेरी गेंद तो नहीं गिरी? बोले हाँ गेंद भी गिरी, बहुत सी गेंदे गिरी, बोरियां गेंदों की भर के ले आई है। इतनी मोहित हो गई ना कि पतनिया प्रभु प्रेमियों अपने गले से 900 हार भी निकाल दिया, कानों के कुंडल में निकाल दिए, हाथों से चूड़ी में निकाल दी। कर बेटा तू चले गया, कहीं हमारा पति जाग गया तो तेरा बचना मुश्किल। अरे ले रे बालक गलहार माला सवालाख की बोरियां, इतना ले घर जाओ रे बालक देवाना गा गोलो चो। अपने पति से छुपा के देर में चला जा। कन्हैया ने कहा क्यों जाओ? बोले हमारा पति जाग जाएगा तो मैं डरता हूं इससे, मुझे तुम्हारा ये हार नहीं चाहिए, कान कुंडल नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुझे? बोले सुनो ना क्या, नहीं चाहिए गल हार माला सवा लाख की बोरियां, मैया यशोदा
सहे पिलोए तेरे नागा दी करूं मैं डोरिया। हमारे बहुत बहुत होता है, बहुत नहीं होता है। मेरी मैया रोज जो रस्सी लगाती है ना बधाने में, वो रस्सी रोज टूट जाती है और बाबा नई रस्सी बनाते हैं। आज तेरे नाग की डोरी डोरी कर दूंगा, ऐसी रस्सी ले जाऊंगा जो कभी टूटेगी ही नहीं। नागिन ने कहा तो जीना नहीं चाहता। फिर पति के चरणों में बैठ गए दोनों नागिनियां, तो लाया भी जगाती हम इसको। अरे पांव चूमे, पति के पांव चूम रही है भुजा मरोड़ी। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।